कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था, समुद्र की लहर आती है, लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए, समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है, शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं, जम के बोलो जरा, बटकेश्वर, फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव, वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लूं हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना, अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो, क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो, कर्जा हो गया मेहनत को चार गुना बड़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को चार गुना बड़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को चार गुना बड़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और पड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को चार गुना करना, अपने परिश्रम को चार गुना करना, अपनी लगन को चार गुना बढ़ाना, अपने कर्म को चार गुना करना, जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, चार गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ, फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है गटर में पड़ा है और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी ने कहा भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है, प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने कहा
हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सीहोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़ बटका वृक्ष जहाँ हो वहाँ पहुँच जाओ, दो तीन मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। दो दिन तीन दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर